ही वॉज वेरी क्लोज टू साहिर जी, राजेंद्र कृष्ण जी, राजा मेहंदी अली खां जी. ये लोग हमेशा सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा करते थे एंड दे वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट हिम कि उनका कलाम, उनकी अच्छी शायरी, उनकी अच्छी कविताएं अच्छे अंदाज में दर्शकों तक आएगी. मिसाल के तौर पे कई फिल्में सामने आती हैं, जैसे द कमिंग अप नाउ इज, अभी 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 जो आप सुन रहे थे फिल्म मधुभोज से, एंड नाउ कमिंग अप इज मृदुला जी जो पेश करेंगी, वो फिर एक बार राजेंद्र कृष्ण जी की रचना थी. फिल्म थी 1958 की फिल्म अदालत. सी रामचंद्र जी से किसी ने पूछा था कि मदन मोहन जी आपको असिस्ट करते रहे, आपको क्या लगता है ये गजलाना अंदाज, शायराना अंदाज कहां तक सिल्वर स्क्रीन से लोगों तक जा सकता है, वुड ही बी अ रेनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर. सी रामचंद्र जी ने सीधे सीधे जवाब दिया था, कौन कहता है कि गजल इनकी स्पेशलिटी है, माना कि वो उनके रग रग में है, बट मैंने उनको काम करते देखा है. ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर जिन्हें अच्छा सेंस है कि कौन से गीत में किस वक्त कौन सा साज बजना चाहिए. ही हैड दैट सेंस. अभी जो गीत सुनने जा रहे हैं दैट वुड हाईलाइट द थिंग आई सेड राइट नाउ. आइए सुने मृदुला जी से.